नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadda.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं आप सबके साथ इस पर्टिकुलर सेशन में हाजिर हो चुका हूं, जिसका नाम है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब एंड एनालिसिस। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग किसी एक स्पेशल एग्जाम को ध्यान में लेकर के पर्टिकुलर सेशन नहीं कर रहे हैं। बच्चों ध्यान में रखिएगा, यह सेशन आपके SSC के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हम सेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स होते हैं, तो इन तीनों चीजों से मिल करके कम से कम आपका 20 से 25 नंबर आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम SSC के किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, और स्पेशली अगर हम CGL एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तब तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही वहां पे 10 आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब भी वहां पे आपका 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स भी आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के SSC ओरिएंटेड ये पूरा का पूरा सेशन में जरूर करवाता हूं। बैंकिंग ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं कि जो बैंक के एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं, उनके लिए सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, अब वो तो दिन गया, अब वो जमाने गए जहाँ पे जो क्लर्क का एग्जाम होता था या फिर बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन होते थे, उसमें तो बहुत इजी वर्ड्स आपके आते थे। अब वो दिन गए। अब आपको भी पता है कि अब अगर आप क्लर्क का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि वहाँ पे आपके वर्ड्स वोकैब वगैरह उसकी टेस्टिंग नहीं की जाएगी। अगर आप SBI के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो SBI को तो आपको पता ही है कि उसमें वर्ड्स आपके वोकैब जबरदस्त दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं, तो पूरा का पूरा इंग्लिश एग्जाम और मेंस पूरा का पूरा इंग्लिश का जो मेंस एग्जाम है, वो तो आपके वर्ड्स के ऊपर ही है, पूरा आपका वर्ड्स के ऊपर ही। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर मेंस की तैयारी करनी है, अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको वोकैब इंप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वोकैब के मेंस का कुछ भी आपका मेंस जो है वो आपको बिल्कुल एकदम वो क्वालिफाई बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, अगर आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट वोकैब। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि यहां पे देखिए जो रिवीजन वोकैब, एडिटोरियल वोकैब, ये जो हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं, इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपके SSC में भी आते हैं, और ये पूरे के पूरे वर्ड्स होते हैं ये आपके बैंकिंग जो है वो एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंक का, चाहे SSC का, या फिर कोई भी लेवल का एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश एक पार्ट बनता है, उन सारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस सेशन को एक बार लाइक कर देना मेरे दोस्तों, ठीक है, और भाई मेरे प्लीज आप लोग सारे के सारे लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। याद रखिएगा, पूरे इंडिया में, भारत में कोने कोने में जहां भी बच्चे हैं, जहां पे पढ़ रहे हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी को उन सारे बच्चों तक ये सेशन पहुंचाना है, क्योंकि वोकैब से रिलेटेड, वोकैब से ओरिएंटेड इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेशन जो है यहाँ पे डिजाइन किया गया। और मैं चाहता हूँ ये हमारी बिल्कुल क्या कहते हैं, कोशिश होनी चाहिए कि हर एक बच्चा, चाहे जितना भी गरीब से गरीब हो, ठीक है, कम से कम ये वोकैब सेशन यहाँ से देख करके वो प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, और जितने भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़ते हैं चैनल को, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर देना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देखो, LIC इज ऑल अबाउट बैंकिंग, ठीक है। LIC का पूरा जो आपका है ना, जैसे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ LIC के लिए बच्चे पूछ रहे थे, तो पूरा का पूरा LIC का जो है वो आपका पैटर्न फॉलो करता है, बैंकिंग IBPS पूरा वही पेपर से डी करता है। तो भाई एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर LIC के लिए आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और आज के कोड ऑफ द डे से हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, जल्दी से हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ द डे, देखो क्या है, नेवर से यू हैव फेल्ड अंटिल यू हैव रीच्ड योर लास्ट अटेम्प्ट, एंड नेवर से इट्स योर लास्ट अटेम्प्ट अंटिल यू हैव सक्सीडेड। क्या बोला गया है कि नेवर से यू हैव फेल्ड, कभी मत बोलिएगा कि आप फेल हो चुके हैं, जब तक कि आप अपने लास्ट अटेम्प्ट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। कितनी शानदार बात लिखी हुई है कि जब तक आप अपने लास्ट अटेम्प्ट तक ना पहुंच जाएं, कभी मत बोलिएगा कि आप फेल हो गए हैं, और कभी मत बोलिएगा कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, जब तक कि आप सक्सीड ना हो गए हो। कितनी शानदार बात है, देखो दोनों को बिल्कुल जुक्स्टापोज करके बोल दिया गया है कि आप मत बोलिए कि मैं फेल हो गया हूं, ठीक है, तब तक मत बोलिए कि मैं फेल हो गया हूं, जब तक कि आप लास्ट अटेम्प्ट ना कर लें, और तब तक आप मत बोलिएगा कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, जब तक कि आप सक्सीड ना हो गए हो। तो बिल्कुल एकदम, जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा है, बल्कि एग्जाम देते रहो, एक ना एक दिन तो निकलना ही है, 1% हर दिन अगर इंप्रूव करते रहे, तो 100% एक दिन तो रिजल्ट निकलेगा ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आपको मैं याद दिला दूं,
यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं। देखो कल ही आप लोगों को पता होगा कि ये सरप्राइज हम लोगों ने रिवील किया कि मेंस क्रैकर का जो एक बैच है वो आप लोगों को यहाँ पे आ रहा है, और ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 नवंबर से। याद रखिएगा ये बैच हम लोग 2 नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेंस क्रैकर का 6 एग्जामिनेशन को कवर करेगा, ये पर्टिकुलर बैच जो है वो 6 एग्जामिनेशन को कवर कर रहा है, आपके IBPS PO, आपका RRB, आपका PO और क्लर्क का जो मेंस है, आपके SBI क्लर्क का मेंस है, आपके RBI जो असिस्टेंट मेंस है, उन सारे एग्जामिनेशन के मेंस को ये कवर कर रहा है, और इसीलिए मेंस क्रैकर का नाम लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा 2 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। मैं हूँ, शांतनु सर है, आशीष सर है, शुभम सर है, ठीक है, और ये चारों मिल करके आपके मेंस को जो है वो क्रैक करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा बैच 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। Y194 कोड इस्तेमाल करिएगा, 72% डिस्काउंट के बाद इस बैच की प्राइस आई थिंक शायद 1100 ऐसे कुछ हो जाएगी, ठीक है। प्लस ये हमारा देख सकते हैं IBPS क्लर्क का प्री प्लस मेंस का ये बैच है, और ये हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका 27 अक्टूबर से, ठीक है। जिन्हें ये कॉम्बो पैक लेना है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस का, मेंस की कोई चिंता नहीं करनी है, मेंस का भी हम लोग इसी में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये बैच, नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से, इसमें भी ध्यान रखिएगा Y194 कोड, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट 1200-1300 ऐसे कुछ रुपीज़ में ये वाला भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आपके लिए अच्छा ऑफर है क्योंकि 72% का फ्लैट डिस्काउंट है, ठीक है। प्लस इसके बाद ये आपके इंडिविजुअल बैचेस है, आप देख सकते हैं वॉरियर इंडिविजुअल बैचेस है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 26 अक्टूबर से, ध्यान में रखना है, ठीक है। 26 अक्टूबर से ये इंग्लिश का मेरा बैच है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से, ये इंग्लिश का मेरा आपका इंडिविजुअल बैच है, ये आपका दक्ष शांतनु सर का इंडिविजुअल बैच है जो ऑलरेडी 16 तारीख से शुरू हो चुका है, इसको भी आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। Y194 कोड इस्तेमाल करेंगे, 72% का डिस्काउंट, मतलब केवल ₹600 के आसपास आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑफर है आपके लिए कि 72% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑल स्टडी मटेरियल पे, जो भी आप वहां पे देते हैं बुक्स वगैरह कुछ भी, Y194 कोड ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। पहला आपके लिए ये रहा, क्या होगा, थोड़े से कंफ्यूजिंग मैं जानबूझ करके देता हूं, अपियरी एवियरी है ना, ये थोड़े से जानबूझ करके मैं देता हूं ताकि सेम जो प्रोनाउंस होता है ना, जो वर्ड उनके जब भी वो अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे, ठीक है। जैसे देखो लिखा हुआ है अ होम फॉर ओल्ड पर्सन, मतलब जो भी काफी ओल्ड एजेड लोग हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो फिजिकली जो है वो एक्टिव नहीं है, काफी वृद्ध जो लोग हैं उनके रहने का जो घर होता है, वृद्धाश्रम जिसको बोलते हैं, उन वृद्धाश्रम का इंग्लिश क्या होती है, सिंपल सी बात है, वृद्धाश्रम जो होती है उनकी इंग्लिश क्या होती है, जहां पे बूढ़े जो लोगों को जो है वो रखा जाता है, ठीक है, उसकी इंग्लिश होती है इन्फर्मरी, याद रखिएगा उसकी इंग्लिश होती है आपकी इन्फर्मरी, उसकी इंग्लिश होती है। असाइलम का मतलब होता है प्लेस फॉर मेंटली इल पीपल, है ना, मेंटली इल, मानसिक रूप से जो विकृत है, मानसिक रूप से जो बिल्कुल बीमार है, वो लोग जहां रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं असाइलम, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है अपियरी, तो भाई अपियरी होता है प्लेस फॉर स्टोरिंग बीज, मधुमक्खियों को रखने का जो जगह होता है उसे हम लोग बोलते हैं एपियरी, ध्यान में रखिएगा, मधुमक्खियों को रखने का जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपियरी। एवियरी होता है प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, ठीक है, चिड़ियों को जहां पे एकत्र करके रखा जाता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं, उस जगह को हम लोग एवियरी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इन्फर्मरी, ध्यान में रखिएगा। देखो एपियरी एवियरी, सिर्फ एक लेटर का यहां पे अंतर है, पी और वी, पी आ गया तो मधुमक्खियों का घर हो गया और वी आ गया तो चिड़ियों का घर हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये रहा अ जॉक्युलर पर्सन विद अ लॉट ऑफ एनेडोट्स, ठीक है, अ जॉक्युलर, सबसे पहले तो ये दो वर्ड के मीनिंग आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पे जो आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है दो वर्ड उसके मीनिंग आपको समझने पड़ेंगे कि जॉक्युलर का मतलब क्या और एनेडोट्स का मतलब क्या है। जॉक्युलर का मतलब होता है बहुत ही फनी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग,
जॉक्यूलर पर्सन, मतलब आप देखिएगा स्पेशली जो लोग जो है वो कॉमेडी वगैरह करते हैं काफी जॉक्यूलर पर्सन होते हैं, काफी ज्यादा खुशनुमा एकदम उनका मिजाज होता है, एक्साइटिंग होता है, फनी होते हैं, बहुत ही लाइवली होते हैं। आप किसी को देखोगे बिल्कुल आराम से ऐसे करके निराश होकर के आपको कॉमेडी बता रहा है, नहीं बताएंगे, क्योंकि जॉक्यूलर का मतलब ही होता है बिल्कुल एकदम प्लेफुल, एकदम ठीक है, एकदम एक्साइटिंग, बहुत मोटिवेटिंग, हमेशा वो एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल एक वर्ड है मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये देख रहा था द वायरल फीवर आई थिंक है, द वायरल फीवर ही है जिसमें एक रिपोर्टर का वो हमेशा नकल करता है, ठीक है, एक रिपोर्टर की नकल करता है, ठीक है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो इंटरव्यू ले रहा था, तो आप हमेशा वो एक इंटरव्यू में वो हमेशा वो कहता है कि आप हमेशा हाई पर रहते हैं, ठीक है, मतलब कि योर एनर्जी लेवल हमेशा हाई होता है, सो यू आर ऑलवेज ऑन द हाई, ठीक है, इतना हाई पे रहते हैं, तो इसका क्या रीजन है, तो आप एक फ्रेज या फिर idiom यूज करता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब आप समझ गए कि इसकी मीनिंग यही होगी, a jocular person with a lot of anecdotes, ठीक है, तो jocular का मतलब आप समझ गए। अब anecdotes का मतलब होता है short stories, है ना, एनेडोट्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज, इसका मतलब क्या हो रहा है कि छोटी छोटी कहानियां, मतलब एक ऐसा प्लेफुल, एक ऐसा एक्साइटिंग, एक ऐसा फनी बंदा जो है जिसके पास हर बहुत ज्यादा छोटी छोटी कहानियां हैं, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी कहानियां सुना करके दूसरों को क्या करता है, काफी अम्यूज करता है, एंटरटेन करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे वैग, याद रखिएगा वैग, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं राजू श्रीवास्तव इज अ वैग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कहानियां होती हैं, वो चुटकुले के माध्यम से उन्हें सुनाते रहते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, अम्यूज करते हैं, ठीक है, सो वैग बोल सकते हैं। अब बाकी तीनों का मतलब रेकंटियर, रेकंटियर का मतलब होता है कि वन हु इज अ मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग, ध्यान में रखना स्टोरी टेलिंग, मतलब कि स्टोरी टेलिंग में काफी मास्टर है वो, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो स्टोरी कहानियां बोलने में बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि हम अपनी दादी माँ को, ठीक है, हम अपनी दादी माँ नानी माँ को हम वैग नहीं बोल सकते, बट हम अपनी दादी माँ नानी माँ को रेकंटियर बोल सकते हैं, क्योंकि दादी माँ नानी माँ बिल्कुल एकदम उछल उछल करके बात नहीं करते, एकदम एक्टिंग करके ऐसे बात नहीं करते, वो क्या करते हैं शांत रहते हैं लेकिन कहानी को इस तरीके से बोलेंगे ना, पता है एक जंगल था, एक जंगल में एक राजा था, शेर था, छोटे छोटे बच्चों को आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग भी नानी और दादी माँ की कहानियां कैसे सुनते थे, है ना, सो नानी माँ और दादी माँ कैन बी कॉल्ड रेकंटियर, ठीक है, कि मतलब जो कहानियां सुनाने में बहुत ही उस्ताद, इस तरीके से सुनेंगे कि नींद आ जाती है, उसको बोल सकते हैं रेकंटियर। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया। ओरेटर का मतलब होता है अ गुड स्पीकर, नहीं लाया हूं मैं, ठीक है, अ गुड स्पीकर, ओरेटर का मतलब होता है अ गुड स्पीकर, बहुत ही अच्छा वक्ता, जैसे हम बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, वो बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, या फिर हम बोल सकते हैं शशि थरूर इज अ वेरी गुड ओरेटर, ठीक है, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं वो। ओरेटर का मतलब ही होता है कि अच्छे स्पीच देना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी तरीके से बोलना, दैट इज उसको हम लोग बोल सकते हैं ओरेटर, ठीक है। आर यू अ गुड ओरेटर, या फिर आर यू अ गुड ओरेटर बोलने का मतलब ही नहीं है, आर यू एन ओरेटर, ओरेटर का मतलब ही होता है गुड स्पीकर, तो आप खुद ही जानते होंगे कि आप एक ओरेटर हो या फिर नहीं हो, तो मुझे प्लीज यहां पर बताइए, ठीक है। अब सब दादी माँ नानी माँ को मिस करने लगे यार, ठीक है। वेंट्रिलोक्विस्ट, देखो वेंट्रिलोक्विस्ट का मतलब होता है somebody who mimics others, ठीक है, who mimics the voice, मतलब क्या बोल सकते हैं कि one who mimics others voice, जो दूसरों के voice को नकल करता है, ठीक है। आजकल देखिएगा अमिताभ बच्चन के जो हैं उनको, उनकी वॉइस को बहुत ज़्यादा नकल करता है ना, बहुत ज़्यादा लोग नकल करते हैं, तो जो लोग भी नकल करते हैं दूसरे की आवाज़ को, मिमिक्री करते हैं दूसरे की आवाज़ की और उसके बाद लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो उनको बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट, जैसे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, है ना, अभी और एक हैं स्पेशली नाम भूल जाता हूं मैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग वेंट्रिलोक्विस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो आप कुछ वेंट्रिलोक्विस्ट के एग्जांपल मुझे एक बार दें कमेंट बॉक्स में, सारे के सारे लोग मुझे वेंट्रिलोक्विस्ट के एग्जांपल दे सकते हो, है ना, कुछ इन दोनों को छोड़ करके, सुनील पाल या फिर आपके ये राजू श्रीवास्तव, इन दोनों को छोड़ करके कुछ वेंट्रिलोक्विस्ट के एग्जांपल आप लोग मुझे दीजिए। नहीं, ये दोनों नहीं चलेगा भाई वेद, ये दोनों नहीं चलेगा। हाँ, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस कैरेक्टर का नाम क्या है मैं भूल रहा हूं, इस कैरेक्टर का नाम क्या है जो मशहूर गुलाटी है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, उस कैरेक्टर का नाम क्या है, सुनील ग्रोवर, यस सुनील ग्रोवर। देखो कपिल शर्मा नहीं, कपिल शर्मा वेंट्रिलोक्विस्ट नहीं है,
है ना, वो वेंट्रिलोक्विस्ट नहीं है. मे बी ही इज अ वैग, मे बी ही इज अ वैग, वो एक वैग बोल सकते हो आप उसे, ठीक है, बट ही इज नॉट अ वेंट्रिलोक्विस्ट क्योंकि दूसरे की आवाज नहीं निकालता है वो, ठीक है. बट हाँ, ये जो बोला सुनील ग्रोवर, परफेक्ट परफेक्ट आपका हो गया वेंट्रिलोक्विस्ट का एग्जाम्पल, ठीक है. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स, राजपाल यादव. अच्छा, राजपाल यादव नहीं यार, राजपाल यादव हम वेंट्रिलोक्विस्ट नहीं बोलेंगे, ही इज अ कॉमेडियन, उसको कॉमेडियन बोल सकते हैं. हाँ, जॉनी लिवर हो गए वेंट्रिलोक्विस्ट. सर आई एम वेंट्रिलोक्विस्ट. वर्षा गुप्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार. नए नए आप लोगों की क्वालिटीज पता चल रहे हैं, है ना. लोग कहते हैं कि क्वालिटीज जितनी धीरे धीरे पता चले प्यार उतना बढ़ता है. चलो अच्छा. सो अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, गोलियों की जो बौछार होती है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक ही टाइम पे जो गोलियों की जो बौछार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है. तो एक ही टाइम पे गोलियों की बौछार, स्पेशली आप देखोगे कि जब भी किसी को ट्रिब्यूट दिया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तो एक ही टाइम पे गोलियां जो है, गोलियों को जो है वो फायर किया जाता है, शॉट्स फायर किया था एयर में, तो उस तरीके को उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं. या फिर किसी एक ही जगह पे एक बार में, जैसे हम बोल सकते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था 1919 के आसपास, आई थिंक रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसी के आसपास, तो वहां पे जो मतलब एक तरीके से ये जो आपका मैसेकर हुआ था, ठीक है, वो क्या हुआ था, एक तरीके से गोलियों के बौछारी कर दी गई थी. एक ही रास्ता था, वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, छोटा सा गेट, उसी से लोग अंदर जाते थे, उसको बंद कर दिया गया और वहीं पे सारे के सारे अंग्रेज तैनात हो गए. और उसके बाद उनको बोला गया, जनरल डायर आई थिंक बोला गया कि मारो, है ना. तो गोलियों की बौछार कर दी गई. तो गोलियों की बौछार की इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है फुसिलेट, ठीक है. उसकी इंग्लिश होती है आपकी फुसिलेट, उसकी इंग्लिश होती है, ध्यान में रखिएगा, फुसिलेट, ठीक है. ब्लिट्ज़क्रीग जो होता है वो आपका एक्चुअली होता है बॉम्ब्स, गोला बारूद, बॉम्ब्स, बम वर्षा, गोलियों की वर्षा, फ्यूसिलेड, बम वर्षा, ब्लिट्ज़क्रीग, ठीक है, याद रखिएगा. जैसे पर्ल हार्बर पे, पर्ल हार्बर पे क्या हो गया, पर्ल हार्बर वॉज कंप्लीटली मतलब क्या बोल सकते हैं, रैवेज्ड या फिर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाई अ ब्लिट्ज़क्रीग, ठीक है, मतलब ब्लिट्ज़क्रीग के द्वारा, बॉम्ब्स के द्वारा, ठीक है. नेक्स्ट आपका आ गया बूमरैंग. बूमरैंग की मीनिंग अभी मैं आपको बताता हूँ. आर्टिलरी का मतलब एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैंक्स बोल सकते हैं, या फिर उसी तरीके का जो तोपखाना होता है, टैंक्स एक तरीके का, ठीक है, जहां से गोला बारूद जो है वो फायर किया जाता है, जिस भी आपके तोपखाने से, या फिर उसी तरीके के कोई भी उपकरण जो हो गए, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं आर्टिलरी, ये ध्यान में रखिएगा. बूमरैंग का मतलब क्या होगा, जंगल बुक एक आपने देखा होगा, मैं आपको एक बताता हूँ, जंगल बुक है ना, पहले एक आपको एक प्रोग्राम आता था जंगल बुक बच्चों का, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चट्टी पहन के फूल खिला है, याद आ रहा है वो गाना आपको, याद आ रहा है मोगली एक कैरेक्टर, शेर खान, मोगली शेर खान कैरेक्टर है ना, आप लोगों को याद होगा. मोगली तो बिल्कुल एकदम मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड नोन कैरेक्टर एक हो गया. तो वहां पे मोगली के पास एक क्या हुआ करता था, एक अजीब इस तरीके का, एक अजीब इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कोई एक शस्त्र हुआ करता था, ठीक है, जिसको वो मारता था, और जिसको भी मारता था वो वहां पे मारने के बाद फिर से उसे वापस आ जाता था, फिर से क्या होता था, वो वापस आ जाता था, बाउंस बैक कर जाता था, वो उसको रिबाउंड कर जाता था. तो ऐसा एक कोई भी चीज, ऐसे ऐसी एक लकड़ी का, वुडन का या फिर कुछ भी, इसको ऐसे औजार को जो आप मारने के बाद उसे वापस आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं बूमरैंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूमरैंग. सो मोगली हैड अ बूमरैंग. अब देखो कितना आराम हो गया ना, अगर आपको बोला जाए अच्छा मोगली के पास वो कौन सा औजार था, तो आपको कितना बोलना पड़ेगा, मोगली हैड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ वुड, ठीक है, व्हेनेवर ही यूज्ड टू थ्रो इट ऑन एनी एनिमी इट यूज्ड टू हिट इट एंड देन यूज्ड टू कम बैक, इतना बोलने की जरूरत नहीं, ही हैड अ बूमरैंग, बात खत्म, ही हैड अ बूमरैंग, बात खत्म, हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, मतलब ये जो एक आस्था है कि भगवान हर चीज में है और हर चीज में भगवान है, ठीक है, वो उस आस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, देखो एक बात याद रखना, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, कुछ वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा कॉमन मिलेंगे यहां पे, एक आपको थीज्म मिलेगा, हो सकता है कि आपको थीस्ट मिल जाए, ठीक है, एथीज्म आपको मिल जाए, ठीक है. और देखो याद रखना, थीज्म का मतलब आपको क्या होता है कि वन, थीज्म का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस, थीज्म, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीज्म, ठीक है,
या फिर हम भगवान के बारे में बात करते हैं, ठीक है, थीज़म का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी बातें उसको हम लोग बोल सकते हैं थीज़म, ठीक है। थीज़म मतलब क्या हो गया, आप रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आप गॉड भगवान के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान जो है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो है या फिर नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं थीज़म, ठीक है। फैसिज्म का मतलब आपको क्या होता है, फैसिज्म का मतलब एक तरीके से ऑटोक्रेसी आप लोग बोल सकते हो, ऑटोक्रेसी हो गया। पैनथिज्म इज द राइट आंसर, पैनथिज्म इज द राइट आंसर। जैसे हम बोल सकते हैं कि टुडे द मंक्स एंड द बिशॉप्स दे गेव अ स्पीच ऑन पैनथिज्म। इसका मतलब कि आज जो साधु सन्यासियों, जो बिशॉप्स पादरियों ने, उन्होंने किसके ऊपर जो है वो आपको सरमन उपदेश दिया, उन्होंने ये उपदेश दिया कि कण कण में भगवान है और इस दुनिया का हर वस्तु जो है वो भगवान के अंदर समाई हुई है। तो ये जो एक आस्था, ये जो बिलीफ है, उसे हम लोग बोल सकते हैं पैनथिज्म। और पैगन का मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, अथीस्ट भी आप लोग बोल सकते हो, नास्तिक, ठीक है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, बल्कि एंटी रिलीजन हमेशा वो है, उसे हम लोग बोल सकते हैं पैगन। तो याद रखिएगा, पैंथिज्म इज दिस बिलीफ कि गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, एक ऐसा इंसान जो कंटिन्यूअस बातें करता रहता है। भैया 1200 हम लोग क्रॉस कर गए, बहुत शानदार, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज आप लोग एक बार सारे लोग लाइक कर देना। भाई सिर्फ 400 लाइक्स हैं, तो प्लीज आप लोग सारे लोग एक बार लाइक कर देना और शेयर करना मत भूला अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। आप लोग सारे के सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आप लोग यहाँ पे हैं भाई, ठीक है, व्हाट्सएप आप लोग ग्रुप में हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में होंगे अलग अलग फैकल्टीज के, अलग अलग आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पे, इंस्टा पे हैं, तो मैं आज कहीं भी शेयर नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में स्पेशली करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आप लोग अटैच्ड होते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में टीचर्स के, ठीक है। तो प्लीज़ उन हर ग्रुप्स में एक बार इस वीडियो लिंक को कॉपी करिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, एक ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता है, हमेशा बातें करता रहता है, मतलब बहुत बातूनी होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं लोकेशियस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्वाशियस नहीं है, उसे हम लोग बोल सकते हैं लोकेशियस। क्या बोलते हैं, लोकेशियस। इफ समबडी इज लोकेशियस, इसका मतलब होता है कि वो बहुत बातें करता है, उल्टा पुल्टा बहुत बातें करता है। जैसे कि मुझे शायद 3 या 4 दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, रिलेट करिएगा नहीं तो भूल जाइएगा, रिलेट करोगे नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। एक आपके मूवी है जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर है ना, जिसमें अरे वो अपने श्रीदेवी जो अपने हस्बैंड उसको बेच देती है 1 करोड़ रुपए में, क्योंकि उसे बहुत ही हमेशा रहता है कि मुझे बड़ा बनना है, मेरे पास पैसे हों, उसका एक ड्रीम होता है। तो फिर उर्मिला कहती है कि नहीं चलो ठीक है, आप अपने हस्बैंड को बेच दें, ठीक है, 1 करोड़ में, 1 करोड़ लीजिए, मैं जो आप अपने हस्बैंड को दे दो, मैं उनसे शादी कर लूँगी। इस तरीके का कोई एक था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी मूवी थी वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो श्रीदेवी का जो पापा होते हैं, ठीक है, श्रीदेवी का जो पापा होते हैं परेश रावल, उसको हम लोकेशियस कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को हम लोकेशियस बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बात करता है, बात करते ही रहता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहेगा, ठीक है, कि जिससे सामने वाला बेहोश हो जाए। तो आपको याद होगा जुदाई, हाँ हाँ, देखो मतलब सब मुझे बोलते हो कि सर आप मूवी बहुत ज्यादा देखते हैं ना, आप लोग मुझे बोलते हो कि सर मूवी बहुत ज्यादा देखते हैं, जबकि सब लोग देखते हो, देखो जुदाई मूवी में, यस। तो वो कैरेक्टर याद रखना, परेश रावल इज लोकेशियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया टैसिटर्न ठीक इसका उल्टा है एंटोनिम। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, वेरी रिजर्व्ड, या फिर टैकिटर्न भी बोलते हैं, इसको स भी या फिर क भी बोल सकते हो, टैकिटर्न। सो टैसिटर्न इसका मतलब होता है बहुत ही रिजर्व रहता है, एकदम ज्यादा बात नहीं करता, एकदम चुपचाप रहता है, ज्यादा बातचीत करना उसे पसंद नहीं है, बहुत ही रिजर्व होता है वो, ठीक है। मोहब्बतें मूवी में आप देख लो दोनों, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान इज लोकेशियस एंड अमिताभ इज वेरी टैकिटर्न इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया वोरेशियस। देखो वोरेशियस का मतलब होता है जबरदस्त, मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे एग्रेजियस, वोरेशियस, प्रचंड, एकदम जबरदस्त, प्रचंड, मतलब कि इज अ वोरेशियस ईटर, मतलब बहुत ज्यादा प्रचंड, तीव्र गति का वो एक आपका तीव्र है, बहुत ही तीव्र और उद्दंड आपका वो क्या है, खाऊ है। तो वोरेशियस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एग्रेजियस, प्रचंड, दैट इज वोरेशियस। और लास्ट आपका इम्पेकुनियस, इम्पेकुनियस का मतलब हो गया मनीलेस, ठीक है, मनीलेस। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग, नाउ ही इज इम्पेकुनियस, ठीक है। ही गॉट हिज सैलरी ऑन फर्स्ट ऑफ ही गेट्स हिज सैलरी ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एंड द नेक्स्ट डे ही लूजेस ऑल हिज मनी, ठीक है, इन गैम्बलिंग एंड ही बिकम्स इम्पेकुनियस ऑन द थर्ड डे,
ठीक है, पूरा का पूरा वो आपका इंपेकुनियस बन जाता है तीसरे दिन, ठीक है। तो ये आपके पांच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए बच्चों, ऑलरेडी खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये आज के रिवीजन वर्ड्स रहे। और आप सबको पता है कि यहां पर 10 लिखा रहता है, लेकिन आज 10 नहीं है, इसलिए क्योंकि आज एक्चुअली आपके 15 रिवीजन वर्ड्स है। मैंने आपको कल जैसा बताया था 15 रिवीजन वर्ड्स हैं आज। अब मैं 10 सेकंड के लिए शांत रहूंगा, हर एक वर्ड आएगा, आपको आंसर देना है कि उस वर्ड का आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल, एक बार जल्दी से जल्दी फटाफट सब लोग तैयार हैं, आंसर देना है। पहला वर्ड ये रहा, सर आप बहुत मूवी देखते हैं, कुछ बढ़िया हॉलीवुड मूवी का नाम बताइए। हाय दा, देखो मैं एक्चुअली पूरी मूवी नहीं देखता हूँ, एक बात बताऊँ, मम्मी पापा देख रहे होते हैं, हम जाते हैं बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, जब तक देख पाते हैं बस उसके बाद उठ के चले जाते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं। रेडिकल का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था ना, दो तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल होता है रेडिकल चेंजेस, देखो ऐसे याद करना है इसको, रेडिकल चेंजेस, एक तरफ आप लोग बोलते हो रेडिकल चेंजेस, दूसरी तरफ आप लोग बोलते हो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, और रेडिकल चेंजेस बोलोगे तो ये थोड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। रेडिकल, ये जो आपको लिखा है ना वायलेंट और उग्र, ये आपका इसका लिखा हुआ है कि रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब थोड़ा सा उग्र ऑर्गेनाइजेशन, वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रेडिकल चेंजेस का मतलब हो गया फंडामेंटल। तो दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडिफाई, edify, प्लीज edify us डॉक्टर, ठीक है सर, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज edify मी, ठीक है सर, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए, मुझे यहां पे सही करिए, मुझे कुछ सिखाइए, है ना। तो सिखाने की इंग्लिश क्या बोलते हो, टीच, टीच के अलावा आज के बाद दूसरा वर्ड बोलना edify, कोई भी अगर चीज कोई किसी को सिखाता है तो edify बोलिएगा आप, ठीक है। सो प्लीज edify मी, इसका मतलब होता है आप मुझे सिखाइए, ठीक है, सिखाना, टीच करना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड ह्यूब्रिस, क्या लिखा हुआ है आपको, ह्यूब्रिस लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूब्रिस बच्चों, देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि दो वर्ड होते हैं इनसे रिलेटेड, एक आपका होता है ह्यूब्रिस, दूसरा होता है आपका डेब्रिस, है ना। ह्यूब्रिस का मतलब होता है अभिमान, दंभ, प्राइड, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइड, ठीक है। और डेब्रिस का मतलब क्या होता है, डेब्रिस का मतलब होता है मलवा, ढेर, गार्बेज, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इरेंट, इरेंट, E-R-R-A-N-T, errant, E-R-R-A-N-T, errant। अब बच्चों देखो, इरेंट के ना बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं। इरेंट का मतलब होता है इरेस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हो, दोषी भी बोल सकते हो, भटकने वाला, जो भटका हुआ होता है उसे हम लोग इरेंट बोलते हैं, ठीक है। जो भी इंसान भटका हुआ होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेंट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, जो कि एक राइट पाथ से बिल्कुल भटका हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग बोल सकते हैं इरेंट, इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है, केयरलेस, दोषी, कल्पेबल, इन सबको आप लोग बोल सकते हो इरेंट, भटका हुआ, इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्पॉनिंग, SPAWNING, स्पॉनिंग। बच्चों शेयर करो यार, 1250 के आसपास बच्चे हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग सारे के सारे लोग शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़े हमारे साथ, ठीक है, और इस पर्टिकुलर वोकैब सेशन का फायदा उठा सकें। याद रखें, वोकैब इंप्रूव करिए यार, ठीक है। स्पॉन का मतलब क्या होता है, SPAWN, देखो मैं पहले ही आपको एकदम साफ साफ बताता हूं बच्चों, बिना वोकैब के मीन्स अधूरा है, एग्जाम देने जाना ही मत, एकदम बिना मेंस के, एकदम वो मतलब बिना वोकैब के मेंस अधूरा है, एकदम मेंस की इंग्लिश जो होती है वो मतलब कम से कम 80-90% आपकी वोकैब के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल, ठीक है, ये याद रखना है। स्पॉन का मतलब होता है वंश का विस्तार करना, ठीक है, वंश का विस्तार करना, रिप्रोड्यूस या फिर एक्सपैंड करना, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्पॉन, SPAWN, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है टेस्टामेंट, क्या लिखा हुआ है, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब क्या होता है, देखो टेस्टामेंट के दो मतलब होते हैं, ठीक है, एक मतलब आपका टेस्टामेंट का क्या होता है, एक मतलब आपका होता है टेस्टामेंट का, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, होता है ना द न्यू टेस्टामेंट, द ओल्ड टेस्टामेंट, इसका मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं, एक तो टेस्टामेंट का मतलब ये हो रहा है कि प्रूफ,
ठीक है, विटनेस, प्रूफ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सबूत, प्रूफ, ठीक है, जैसे द न्यू टेस्टामेंट, द ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, और दूसरा टेस्टामेंट का मतलब होता है विल, वसीयत जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो टेस्टामेंट के दो मीनिंग हो गए, ध्यान में रखिएगा, वसीयत भी इसकी एक मीनिंग होती है और प्रूफ भी इसकी एक मीनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो आ गया पॉन्टिफिकेट, क्या बोलते हैं पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट का मतलब दोस्तों में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है ना जिसका आदत होता है कि आप कुछ भी उससे पूछेगा ना तो वो लगेगा उपदेश देने, तो उपदेश भरी बातें करने वाला इंसान, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉन्टिफिकेट, इंसान नहीं उपदेश देना, दैट इज पॉन्टिफिकेट, ठीक है, काफी सिद्धांतवादी बातें करना, इट इसको बोलते हैं हम लोग पॉन्टिफिकेट, एक्सपाउंड आप लोग बोल सकते हैं वहां पे, EXPOUND, एक्सपाउंड, सिद्धांतवादी बातें करना, उसको हम बोलेंगे पॉन्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट क्या बोलेंगे, ग्रैंडिलोक्वेंट, शशि थरूर के जो स्पीच होते हैं वो हमेशा ग्रैंडिलोक्वेंट होते हैं, ठीक है, बताया ना मैंने, शशि थरूर के जो स्पीच होते हैं वो हमेशा ग्रैंडिलोक्वेंट होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉम्पस होते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ वर्ड से भरे हुए होते हैं, आडंबर पूर्ण होते हैं, शब्दांडंबर है ना, शब्दांडंबर, शब्द आडंबर पूर्ण, ठीक है, शब्द आडंबर पूर्ण जो होते हैं पॉम्पस होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, बस आप लोगों को पता चल गया कि शशि थरूर की स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रीग, इंट्रीग, इंट्रीग के दो मीनिंग होते हैं, पहला इंट्रीग का मतलब होता है प्लॉट करना, कॉन्स्पायर करना, साजिश करना, एक मीनिंग, दूसरी इंट्रीग की मतलब होती है काफी ज्यादा दिलचस्प लुभावना हो जाना, ये दो मीनिंग होते हैं इंट्रीग की, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है साजिश करना, कॉन्स्पायर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है कि दिलचस्प, ठीक है, बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग बना देना, बहुत ही ज्यादा उसको चित्ताकर्षक बना देना, दैट इज नोन एज इंट्रीग, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इंपरेटिव, 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 जैसे कि प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंपरेटिव फॉर योर इंग्लिश इंप्रूवमेंट, ठीक है, अगर आप अपनी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपरेटिव है, ध्यान में रखिएगा, क्या है इंपरेटिव, मतलब अनिवार्य है या फिर एसेंशियल है, क्या है अनिवार्य है, एसेंशियल है, डन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड एम्ब्रॉयल, क्या लिखा हुआ है एम्ब्रॉयल, EMBROIL, एम्ब्रॉयल, बचपन में याद है मम्मी जब पूछती थी, अरे तुम कहाँ लेट हो गए बच्चे, ठीक है, कहाँ लेट हो गए, तो हम लोग क्या बोलते थे, अपनी बातों में उलझा देते थे ना, है ना, अपनी बातों में क्या करते थे, उलझा देते थे। एक्चुअली दो कुछ दिनों पहले जो है, शायद 3-4 दिन पहले ऐसे कुछ है, मैं गाना सुन रहा था, गाना नहीं सुन रहा था, मैं एक भजन सुन रहा था, ठीक है, अनूप जलोटा का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, ये गाना भजन मैं सुन रहा था कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अब यशोदा माता जो उन्होंने खुद देख लिया, ठीक है, उन्हें माखन खाते हुए, खुद देखा उन्हें माखन खाते हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो कृष्ण जो है वो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, अपनी बातों में ऐसे उलझा लेते हैं, ठीक है, ही एम्ब्रॉयल्ड माता यशोदा इन हिट्स, इन हिज ओन क्या बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो उलझा देना बिल्कुल एकदम, कंफ्यूज कर देना, परप्लेक्स कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉयल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया अनसेवरी, अनसेवरी, ठीक है, सेवरी और दूसरा होगा अनसेवरी, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, ध्यान में रखिएगा, अनसेवरी ये आपका एडजेक्टिव है और इसका नाउन आपको बनेगा सेवर, SAVOUR, ये आपका नाउन बन जाएगा जिसका मतलब होता है जायका, जिसका मतलब क्या होता है जायका, टेस्ट जिसको बोलते हैं, और सेवरी का मतलब टेस्टी, अनसेवरी का मतलब डिस्टेस्टफुल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेस्टलेस बोल सकते हो, एक और अच्छा वर्ड आपको मैंने कल बताया था ब्लैंड होता है, बहुत ही बढ़िया वर्ड क्या होता है ब्लैंड भी होता है, बिल्कुल एकदम कोई टेस्ट इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रैम्पेंट, नेक्स्ट वर्ड रैम्पेंट, भाई देखो बहुत बढ़िया, 1300 प्लस बच्चे हमारे साथ यहां पे लाइव जुड़ रहे हैं, भाई बहुत शानदार, सेशन को शेयर करना करते रहिएगा भाई प्लीज, जितने भी लोग यहां पे देख रहे हो एक बार सेशन को प्लीज एक बार जल्दी से सारे के सारे सेशन में, सारे ग्रुप्स में एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज आप लोग एक बार लाइक कर देना बच्चों, ठीक है, एक बार लाइक फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा, सिर्फ 700 लाइक है और 1300 देख रहे हैं बच्चों, एक बार फटाफट लाइक कर देना, ठीक है। रैम्पेंट का मतलब क्या हो गया, क्या एग्जांपल दिया था, द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक, है ना, कोविड 19 का रैम्पेंट स्प्रेड,
समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ COVID-19 मतलब क्या हो गया, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड, याद रखिएगा बहुत ही बढ़िया वर्ड है अनब्रिडल्ड। एक और अच्छा वर्ड इसी में इस्तेमाल होता है अनवारंटेड, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइव्ड, कॉन्ट्राइव्ड, कॉन्ट्राइव, हमेशा याद रखना सेंटेंस मतलब हमेशा ना एसोसिएट करना, अगर इसके साथ कोई वर्ड मैं बोलता हूं तो ऐसे लिखना, जैसे कि कॉन्ट्राइव अ प्लान, हमेशा ऐसा ही होता है, कॉन्ट्राइव अ स्ट्रेटेजी, कॉन्ट्राइव अ स्कीम, कॉन्ट्राइव अ प्लान, इसी तरीके से लिखा ही जाता है, इसी तरीके से बोला जाता है, कॉन्ट्राइव अ प्लान, कॉन्ट्राइव अ स्कीम, कॉन्ट्राइव अ क्या बोल सकते हो उसको, कॉन्ट्राइव अ प्लान, कॉन्ट्राइव अ मेथड, कॉन्ट्राइव अ स्ट्रेटेजी, इसी तरीके से बोलते हैं, मतलब प्लान बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, उपाय निकालना, क्रिएट करना, कॉन्स्ट्रक्ट करना, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्राइव, ठीक है। नेक्स्ट अननर्विंग, क्या लिखा हुआ है, अननर्विंग, अननर्विंग, आवर इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू एन अननर्विंग ग्लूम, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक हतोत्साहित, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग, एक ग्लूम से, अंधेरे से होकर के गुजर रही है। तो ये आपके 15 आज के आपके वन आपके रिवीजन वर्ड्स से, आई होप कि 15 वर्ड्स आज आप लोगों का रिवाइज भी हो गया होगा। आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेशन में हम लोग वर्ड से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ही है कि आपकी वोकैब इंप्रूव हो, ठीक है। हर दिन आप लोग अगर जुड़ेंगे मेरे साथ सुबह 8 बजे से, वर्ड्स आपके, बस आपको कुछ नहीं करना है, सुनते रहना है मुझे और लिखते रहना है, वर्ड्स को मेरे जो वर्ड्स है ना, ठीक है, उनको अपने कानों में आने दें, बस अपने कानों में आने दें, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली याद होगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लास्ट डे का क्लास था, ये आपका लास्ट डे का मतलब कि आपका सैटरडे की ये क्लास थी, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग प्लीज देख लीजिएगा जरूर, सैटरडे की 10 AM ये आपको सैटरडे का क्लास था, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग याद रखिएगा, आज हम लोग 10 बजे, मैं आपको बता देता हूं, आज 10 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ेगा वो लोग जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, SBI क्लर्क मेंस की, IBPS PO मेंस की, RRB मेंस की, ठीक है, RBI असिस्टेंट मेंस की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज हमारे साथ एक बार जरूर जुड़ेगा सुबह 10 बजे। इंग्लिश की मैं जबरदस्त जो है आपसे रिलेटेड कुछ चीजें वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान में रखिएगा 10 AM मेंस से रिलेटेड, मेंस क्रैकर से रिलेटेड इंग्लिश, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सुबह 10 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ना है, सबको जुड़ना है, क्योंकि देखो वो स्टेप है, अगर आप प्री एग्जाम दे दिए और मेंस के लिए मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो ये आपकी अधूरी हो जाएगी प्रिपरेशन, इसलिए सुबह 10 बजे मुझसे जरूर जुड़े, सिर्फ आज भर, आज का ये स्पेशल सेशन है आपके लिए, सारे बच्चों के लिए सुबह 10 बजे सबको मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं idioms and phrases पे, पहला लिखा हुआ है ब्रिंग गुड टाइडिंग्स, अब देखो सारे के सारे आज ही का आपके एडिटोरियल के हैं, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, टू ब्रिंग गुड टाइडिंग्स, लिखा हुआ है ब्रिंग गुड टाइडिंग्स, ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है, देखो टाइडिंग्स का आजकल जो मीनिंग आ रहा है ना, टाइडिंग का मतलब होता है गुड न्यूज, आजकल जो टाइडिंग का मतलब होता है गुड न्यूज, इसका मतलब अगर कोई चीज कोई गुड न्यूज ला रही है, कोई अच्छा हो सकता है संकेत दे, तो उसे हम बोल सकते हैं कि इट कैन ब्रिंग गुड टाइडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है योनिंग गैप, याद रखिएगा योनिंग गैप का मतलब होता है बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा गैप जिसे रिड्यूस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे हम बोल सकते हैं योनिंग गैप, ठीक है, डिफरेंस दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड डिफिकल्ट टू रिड्यूस, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है टेक द विंड आउट ऑफ द सेल्स, ये भी आज के एडिटोरियल का आपका, टेक द विंड आउट ऑफ द सेल्स, देखो मैं पहले एग्जाम्पल बताता हूं, देखते हैं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कि धोनी इज नॉट इन फॉर्म, ठीक है, धोनी इज नॉट इन फॉर्म एंड इट हैज टेकन द विंड आउट ऑफ द सेल्स फॉर चेन्नई किंग्स, इसका मतलब धोनी फॉर्म में बिल्कुल है ही नहीं और इसने जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो है सेल्स में से जो है वो विंड बाहर निकाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, टू टेक द विंड आउट ऑफ द सेल्स का मतलब हो गया हतोत्साहित कर देना, एनर्जी रिड्यूस कर देना, कॉन्फिडेंस रिड्यूस कर देना, ठीक है, ये जानते हुए, नोइंग दैट द मेन प्लेयर ऑफ द टीम इज इंजर्ड, इट हैज टेकन द विंड आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो एक ट्रेंड है उस ट्रेंड को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेते कि कोई भी एक ट्रेंड अभी चल रही है, ठीक है, और आप हैं दूसरे, आप उस मतलब क्या बोलते हैं उसको मानने वाले, आप ट्रेंड के नहीं है, आप अपने अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहां जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कि जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, जो भी करंट आपका एक क्या चल रहा है, एक पॉपुलर एक्टिविटी चल रही है, एक पॉपुलर इवेंट चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लेना, दिस इज जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है ब्लैक एंड ब्लू. याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन. ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? इन रिटन. लेकिन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बिल्कुल ब्रूज्ड, एकदम मार खाया हुआ, एकदम बीटन. अब ये बीटन किसी भी सेंस में हो सकता है, फिजिकली या फिर इमोशनली भी हो सकता है. ठीक है, फिजिकली या फिर इमोशनली भी. जैसे कि हर एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं सब लोग पूछ रहे हैं और क्या कर रहे हो आजकल, है ना, सब लोग पूछ रहा है, सब लोग बता, अभी तक तुमने कोई एग्जाम तुम्हें क्रैक नहीं कर पाए, तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, तो आप क्या हो रहा है, यू आर ब्लैक एंड ब्लू कंप्लीटली. इसका मतलब यू आर ब्रूज्ड, है ना, मेंटली ब्रूज हो गए. और उसके बाद आपका फिजिकली कैसे ब्रूज हो गए, ठीक है, कल जबरदस्त धुलाई की बटलर ने, जॉश बटलर ने, ठीक है, जॉश बटलर ने जबरदस्त धुलाई की. सो द बोलर्स वेयर ब्लैक एंड ब्लू, पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से धुलाई की. तो फिजिकली का भी मतलब होता है पीटना कूटना, ठीक है, और मेंटली भी अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस है तो आप बोल सकते हैं यू आर ब्लैक एंड ब्लू. ठीक है, क्लियर होगी बात. ऑलराइट, सो ये आपका ईडियम हो गया. बच्चों ध्यान में रखिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही आप याद रख सकते हैं चीजों को, अदरवाइज भूल जाएंगे. कहीं भी आप हैं तुरंत खोल लो, ठीक है, तुरंत खोल करके एक बार चेक कर लो, बस बात खत्म, एक बार पढ़ लो. ठीक है, क्लियर हुआ. चलो अब हम आते हैं आपके 20 एडिटोरियल वोकैब की तरफ. ठीक है, बहुत ही पहले स्लाइड में आपको काफी ऐसे वोकैब मिलेंगे जो अक्सर आप देखते हैं आपके एग्जामिनेशन में यूज होंगे. सेकंड वाले जो आपका स्लाइड होता है उसमें थोड़े से अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, पहली स्लाइड, पहला वर्ड लिखा हुआ है इंड्यूस. दो मीनिंग होते हैं इंड्यूस के, आज तक आप लोगों ने एक ही पढ़ा होगा, मैं आज आपको सेकंड मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि सेकंड मीनिंग के साथ आज यूज हुआ है आपके एडिटोरियल में. ठीक है, इंड्यूस की पहली मीनिंग होती है प्रेरित करना, जैसे कि द 2 मिनट स्पीच ऑफ शाहरुख खान इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड मोटिवेशन, इंड्यूस्ड द प्लेयर्स, मतलब उसने क्या किया, मोटिवेट कर दिया पूरे प्लेयर्स को, इंड्यूस कर दिया. ठीक है, उसने क्या किया, मोटिवेट किया, उसने आपको प्रोवोक कर दिया, ठीक है, आपको एनकरेज कर दिया, बूस्ट कर दिया, ये एक मीनिंग में आ गई आपकी. ठीक है, दूसरी जो इंड्यूस मीनिंग आएगी वो आपका आएगा ब्रिंग चेंजेस. ठीक है, ब्रिंग आउट सम चेंजेस, उसको बोलते हैं इंड्यूस. जैसे हम बोल सकते हैं द स्कीम विल इंड्यूस, द स्कीम विल इंड्यूस सम मोटिवेशन, इसका मतलब कि कुछ मोटिवेशन लाएगा. तो लाने के सेंस में, भरने के सेंस में भी आपका इंड्यूस होता है, टू ब्रिंग सम मोटिवेशन, टू ब्रिंग सम चेंजेस, टू फिल समथिंग, उस सेंस में भी आपका इंड्यूस होता है. ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, जैसा अगर हम बोलें कि अभी जो एक आपकी 7 मेंबर की कमिटी जो थी, उसने आपको ये बताया, मैथमेटिशियंस की और काफी जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनके कमिटी, उन्होंने ये बताया कि जो पीक था वो ऑलरेडी COVID-19 का जा चुका है. ठीक है, और आपको जो है वो फरवरी तक ऑलमोस्ट ही बिल्कुल एकदम माइल्ड के साथ, बिल्कुल ऑलमोस्ट ये जो आपका पैंडेमिक है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा फरवरी तक. लेकिन अगर हम लोगों ने चीजें सही नहीं रखी तो ये हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ जाए, बट जैसी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, तो उससे पता चल रहा है कि जो पीक था वो ऑलरेडी जा चुका है. ठीक है, और फरवरी तक ये चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी. तो इसने क्या किया, इसने इंड्यूस किया एक खुशी की लहर को, इट इंड्यूस्ड हैप्पीनेस. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है कैवियट, CAVEAT. कैवियट मतलब होता है वार्निंग. ठीक है, कैवियट का मतलब एक तरीके से हो गया डेंजर, कैवियट का मतलब एक तरीके से हो गया चेतावनी. यही बात है, ठीक है, कि इट इंड्यूस्ड हैप्पीनेस बट विद अ कैवियट. चेतावनी क्या थी, द कैवियट इज दैट वी नीड टू फॉलो द COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यूनिवर्सल मास्किंग. वो तो सबसे पहली चीज है, यूनिवर्सल मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहां पे बिल्कुल मदर सिस्टर हुई पड़ी है. मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, सबसे पहले कल ही मैं न्यूज में सुन रहा था कि पहले क्या किया गया कि ओपन कर दिया गया कि हर जगह जो है वो वेस्ट बंगाल में आप पैंडल्स वगैरह बना सकते हैं. ठीक है, जबरदस्त पंडाल बना हुआ है, बहुत जबरदस्त, एकदम सारे के सारी जगह पंडाल बना गया और दुर्गा पूजा के लिए सब कुछ ओपन कर दिया गया है. ट्रेन्स वगैरह भी, कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी ओपन कर दी गई हैं. अब उसके बाद फिर बयान आया एडमिनिस्ट्रेशन का कि जितने भी पैंडल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पूजा स्थान हैं, जो भी पैंडल्स बनाए गए जहां पर लोग जाएंगे, वो सारे कंटेनमेंट जोन है. अब बताओ ये किस तरीके की चीज है, वो सारे कंटेनमेंट जोन है. और इसलिए आप ध्यान से खुद से करिएगा, ठीक है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई, अगर अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन नहीं किया गया, तो जितने भी आपके क्लब्स हैं उनको जो है उन पे जो है पनिशमेंट उनको मिलेगा. तो अजीब है भाई, अब जो किया गया इससे तो अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा, भगवान ही जानता है ना. सो कैवियट हो गया. नेक्स्ट आपकी मीनिंग वर्ड आ रहा है स्क्रपलस. स्क्रपलस का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट या फिर केयरफुल, है ना, केयरफुल बोल सकते हैं या फिर आप प्रूडेंट बोल सकते हैं. बहुत ही बढ़िया है. जैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ, the students demanded a scrupulous investigation
इनटू द केस. इसका मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट्स ने केस की एक स्क्रपलस जो है वो इन्वेस्टिगेशन की मांग की, ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन की मांग की, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की मांग की, प्रूडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की. ठीक है, सो स्क्रपलस का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही एकदम क्या उसको बोल सकते हैं, जिम्मेदार, उसको बोल सकते हैं स्क्रपलस. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया म्यूटेशन. ये वर्ड हमने सुना था बहुत सालों पहले, वो भी अपने पापा के जबान से. कब, जब हम लोगों ने एक जमीन खरीदी थी. ठीक है, जब हम लोगों ने एक जमीन खरीदी और जमीन के बाद पापा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पापा ने मेहनत की. ठीक है, बार बार दौड़ रहे थे वो म्यूनसिपल ऑफिस में. तो जब वहाँ पे हमने पूछा कि आज पापा क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि आज म्यूटेशन है, बिना म्यूटेशन का कुछ काम ही नहीं हो सकता. सो म्यूटेशन, उस वक्त हम लोगों ने जाना कि म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन. ठीक है, चेंज जिसको बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब कि जिसके नाम पे थी कागज वगैरह सब कुछ उसके नाम से चेंज होकर के अब पापा के नाम पे सारी की सारी चीजें हो जाए, इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यूटेशन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे. ठीक है, सो परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, ट्रांजिशन आप लोग बोल सकते हो, अच्छा वर्ड ये. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया ससेप्टिबल. ससेप्टिबल हम लोग बोल सकते हैं लिवर पेशेंट्स. ठीक है, जितने भी किडनी पेशेंट्स होते हैं, सॉरी किडनी पेशेंट्स, दे आर जनरली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. किडनी पेशेंट्स जो होते हैं ना, जनरली सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो वो इन्फेक्शन की काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. जैसे कि आई एम ससेप्टेबल टू डस्ट एलर्जी. डस्ट से जो एलर्जी होती है ना, मैं उससे बहुत संवेदनशील हूँ, मैं उसका बहुत ससेप्टेबल हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब प्रभावित हो जाता हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ से. तो अति संवेदनशील, ठीक है, सेंसिटिव उसको बोल सकते हैं ससेप्टिबल, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड उसको बोल सकते हैं रिगर. देखो रिगर का मतलब होता है कठोरता, स्ट्रिक्टनेस. यहीं से आपका निकला है एक इसका एडजेक्टिव जिसे हम लोग बोलते हैं रिगरस. क्या निकला है, रिगरस. जैसे हम बोल सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट थिंक दैट क्वालिफाइंग SBI एग्जामिनेशन इज अ रिगरस टास्क. ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जो होता है वो एक बहुत ही कंपिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, वो एक रिगरस टास्क होता है. ठीक है, यू हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ रिगर. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा रिगर्स होकर के, कठोरता, स्ट्रिक्टनेस होकर के गुजरना पड़ेगा. नेक्स्ट ड्वेल, दो मीनिंग होते हैं, बहुत शानदार वर्ड है भाई ड्वेल, दो मीनिंग होते हैं ड्वेल का, ध्यान में रखिएगा. पहला वर्ड क्या होता है ड्वेल का, देखो ड्वेल का मतलब मैं आपको बता देता हूं. पहला ड्वेल जो होता है वो आप लोग बोलते हैं ना ड्वेलिंग प्लेस, है ना, वेयर इज योर ड्वेलिंग प्लेस. ठीक है, वेयर इज योर ड्वेलिंग प्लेस एंड बर्ड्स, वेयर डू बर्ड्स ड्वेल, वेयर डू काउज ड्वेल, इसका मतलब कि रहते कहां पे हैं, है ना, बसेरा आपका कहां पे है, आप कहां बसते हैं, आप कहां लिव कर रहे हैं, आप कहां स्टे कर रहे हैं. ठीक है, ये इसकी एक मीनिंग हो गई, ध्यान में रखिएगा. कौन सी मीनिंग हो गई, एक मीनिंग हो गई ड्वेल. ड्वेल की दूसरी मीनिंग होती है, बहुत ही शानदार मीनिंग होती है, और उसका मतलब होता है पॉन्डर करना या फिर थिंक करना. ठीक है, जैसे कि आई एम ड्वेलिंग समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, मतलब मैं इस इशू के ऊपर जो है कुछ पॉन्डर कर रहा हूँ, कुछ ध्यान, कुछ चिंतन मनन कर रहा हूँ. तो ड्वेल का देखो बिल्कुल अलग माने मीनिंग हो गए. ऐसा नहीं कि एक नाउन का मीनिंग एक वर्ब का मीनिंग, दोनों ही वर्ब के मीनिंग और बिल्कुल अलग. ड्वेल का एक मतलब रहना, दूसरा मतलब कुछ विचार करना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड का मतलब हो गया अवाउडली. अवाउडली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली. जैसे कि नाउ आई कैन अवाउडली से दैट इन द नेक्स्ट 3 to 4 months इंडिया कैन गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर COVID-19 पैंडेमिक. अब मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है, ठीक है, आपके हो सकता है शुरुआत के कुछ महीनों में वैक्सीन भी जो है वो आ जाए. तो हम लोग धीरे धीरे करके अब ये क्लियरली बोल सकते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, भारत के हर एक स्टेट से इस पर्टिकुलर पैंडेमिक को फिनिश कर सकते हैं. ठीक है, सो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं, एविडेंटली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, विविडली बोल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, लिखा हुआ एग्जॉर्बिटेंट. एग्जॉर्बिटेंट, अभी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है. अगर आपको अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आप गए और आपको एक जो कैडबरी चॉकलेट है वो 10 रुपए की होती है, अब वही 10 रुपए की कैडबरी चॉकलेट 50 रुपीज हो गई है, इतने बड़ी वाली 50 रुपीज हो गई है, तो आप वहां पर क्या बोलोगे, द शॉपकीपर इज डिमांडिंग या फिर इज एक्चुअली डिमांडिंग एन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस फॉर दैट 10 रुपी चॉकलेट, है ना. वो 10 रुपी चॉकलेट के लिए जो आपका शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, वो आपका एग्जॉर्बिटेंट प्राइस आपसे डिमांड कर रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा प्राइस आपको डिमांड कर रहा है, एक्सेसिव प्राइस आपको डिमांड कर रहा है, टू मच प्राइस इज डिमांडिंग. ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड आपका है वांटन. मैन इज नथिंग, ठीक है, वी आर नथिंग बट टॉयज इन द हैंड्स ऑफ द वांटन डेस्टिनी. ठीक है, वी आर ह्यूमंस, जैसे ह्यूमन बींग्स आर नथिंग, ह्यूमन बींग्स जो है वो कुछ भी नहीं है बट खिलौने हैं, बट आर टॉयज इन द हैंड्स ऑफ द वांटन डेस्टिनी. जो चंचल एक डेस्टिनी है ना, जो चंचल एक आपका जो भाग्य है, उसके हाथों में क्या है, ये हम लोग खिलौने हैं. सो वांटन का मतलब हो गया बहुत ही चंचल, ठीक है, मतलब कि जो फिक्स नहीं हो पाता, बिल्कुल चंचल है, आवारा, इधर उधर हमेशा पलड़ा इधर उधर होते रहता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं वांटन. और याद रखिएगा, वांटन हमेशा इस्तेमाल किया जाता है डेस्टिनी के साथ, जनरली है ना, वांटन डेस्टिनी हम लोग बोलते हैं. तो देखो वर्ड्स याद रखिएगा, क्योंकि अगर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन आपको याद है ना, तो बहुत बार आपको मीनिंग जो है वो आप रिलेट कर पाते हो. वांटन डेस्टिनी मतलब चंचल भाग्य, जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड आपकी डन हो गई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जल्दी से चलते हैं. पहला मीनिंग आपका ये रहा मलाइन, MALIGN, मलाइन या फिर मलीन, इसका मतलब होता है बदनाम करना, छींटाकशी करना, डिफेम करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किसी को भी बदनाम करना, डिफेम करना, बिलिटल करना, बिलिटल नीचा दिखाना किसी को, इंसल्ट करना, एम्बैरस करना, उसको हम बोल सकते हैं मलाइन. ठीक है, जैसे इट्स नॉट गुड टू मलाइन एनीवन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, किसी को भी डिफेम करना, किसी को भी बिलिटल करना, उपहास करना पूरे पब्लिक में, यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. नेक्स्ट आपका रहा है मैनिक. मैनिक का मतलब होता है उन्मत या फिर पागल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इनसेन आप लोग बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं? इनसेन हम लोग बोल सकते हैं. जैसे कि हम बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी गेटिंग द पावर ऑफ एंटायर इंडिया, ठीक है, गेटिंग द हुकूमत ऑफ एंटायर इंडिया, ही बिकेम अ मैनिक रूलर, मतलब उन्मत, मैड और इनसेन एकदम रूलर हो गया, क्रेजी रूलर हो गया. नेक्स्ट आपका है आउटवे. देखो आउटवे का मतलब होता है अधिक भारी होना या फिर एक्सीड कर देना. लास्ट नाइट हम बोल सकते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ राजस्थान रॉयल आउटवेज द परफॉर्मेंस, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ राजस्थान रॉयल्स आउटवेज द परफॉर्मेंस ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स. ठीक है, मतलब क्या हो गया कि राजस्थान रॉयल ने क्या हो गया कि थोड़ा सा वो एक्सीड कर गए परफॉर्मेंस में. तो किसी भी चीज में अधिक हो जाना, भार में अधिक हो जाना, वेट में अधिक हो जाना, एक्सीड करना किसी चीज में, सो दैट इज आउट वे, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट आपका वर्ड लिखा हुआ है अबाउंड. जैसे हम बोल सकते हैं कि झारखंड अबाउंड्स इन मिनरल्स, इसका मतलब क्या होता है, झारखंड जो है वो प्रचुर मात्रा में वहां पे मिनरल्स हैं. झारखंड में क्या है, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स है. तो अबाउंड्स का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, किसी भी चीज के प्रचुर मात्रा में होना. ठीक है, प्लेंटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सरफेट आप लोग, इसका भी मीनिंग आता है प्रचुर मात्रा में होना. ठीक है, सरप्लस, इसका भी मतलब होता है अत्यधिक, ध्यान में रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है हिस्टेरिकल. हिस्टोरिकल नहीं है कि इतिहास रिलेटेड हो जाएगा, ये हिस्टेरिकल है. यहां पे ध्यान रखिएगा, एक ई लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ओ नहीं है. हिस्टेरिकल का मतलब होता है बिल्कुल उन्माद, पागल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, पागल आप लोग बोलोगे, सिनिक जिसे हम लोग बोलेंगे एकदम. ठीक है, सेम मीनिंग में आएगा ऑलमोस्ट मैनिक हिस्टेरिकल का. नेक्स्ट आपका आ रहा है ट्रम्प्ड. देखो ट्रम्प्ड का मतलब होता है मात देना, है डिफीट कर देना. जैसे कि लास्ट नाइट राजस्थान रॉयल्स ट्रम्प्ड चेन्नई सुपर किंग्स. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक दिन पहले जो है क्या किया था, किंग्स इलेवन पंजाब, ठीक है, ट्रम्प्ड मुंबई इंडियंस. ठीक है, मतलब कि मात दे देना, हरा देना, डिफीट कर देना, उस हम बोलेंगे ट्रम्प. इन द फाइनल ऑफ 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ट्रम्प्ड श्रीलंका. ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाएगा रैथ, WRATH, कोप या फिर एंगर. ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, कोप या फिर एंगर. जैसे कि अभी आप क्या बोलोगे कि हाँ, आई बिकेम लेट. ठीक, आई बिकेम लेट टू द स्कूल, आई बिकेम लेट टू स्कूल एंड आई हैड टू फेस द रैथ ऑफ माई प्रिंसिपल. मैं स्कूल के लिए लेट हो गया और मुझे फेस करना पड़ा प्रिंसिपल का जो रैथ है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो प्रकोप है, जो रोष है, वो मुझे फेस करना पड़ा. रैथ, WRATH, ध्यान में रखिए. नेक्स्ट वर्ड है आपका इगैलिटेरियन. देखो इगैलिटेरियन का मतलब होता है समान अधिकारवादी, एक मतलब कि वो इंसान, ठीक है, जो कि हमेशा ये मानते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं उनको समान रूप से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, चाहे रिच चाहे पुअर, चाहे आपके किसी भी स्ट्राटा का हो, किसी भी आपके स्टेटस का हो, किसी भी आपका रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स, किसी भी क्रीड, किसी भी आपका हो, सबको समान रूप से जो है अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, अधिकार, राइट्स मिलने चाहिए. ऐसे इंसान को हम लोग इगैलिटेरियन एटीट्यूड का इंसान बोलते हैं. कौन सा? Egalitarian attitude, ठीक है? He is an egalitarian. इसका मतलब समान अधिकारवादी, equalitarian. Next word है आपका लिखा हुआ है archetype. क्या लिखा हुआ है? Archetype या फिर archetype. याद रखिएगा archetype का मतलब होता है example या फिर epitome बोल सकते हैं हम लोग. क्या बोलेंगे? Epitome. जैसे हम बोलेंगे कि महात्मा गांधी was the archetype of truth and non-violence. ठीक है? Truth और सत्य और अहिंसा के जो मूल रूप आदर्श थे वो कौन थे? महात्मा गांधी. तो epitome हो सकता है इसका, आप लोग बोल सकते हो एक पैरागॉन आप बोल सकते हो. बहुत ही बढ़िया वर्ड है, याद आ गया, वही मैं याद रखता था, वो चप्पल से मुझे याद आ रहा था, पैरागॉन.
PARAGON पैरागॉन का भी मतलब होता है एग्जाम्पल, एपिटोम, ठीक है, पैरागॉन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड आपका एसफिक्सिएट, क्या है एसफिक्सिएट, बहुत ही बढ़िया वर्ड है एसफिक्सिएट, पहली बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एडिटोरियल का सेशन में, फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग इट एसफिक्सिएट। इसका मतलब क्या होता है, एसफिक्सिएट का मतलब होता है गला घोंटना, सफोकेट कर देना, स्टाइफल कर देना STIFLE, या स्मॉदर कर देना SMOTHER, स्मॉदर कर देना, ये वर्ड अक्सर आपके एग्जाम में घूमेंगे, सफोकेट, स्टाइफल, स्मॉदर, ठीक है, आपका ये सारे वर्ड का मतलब होता है गला घोंटना, सफोकेट कर देना, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द गून्स, ठीक है, या फिर मूवीज में अक्सर आप देखते हैं ना कि जो बदमाश लोग होते हैं वो गला घोट करके जो है वो हीरो के फादर मदर इन लोगों को मार डालते हैं, है ना, तो गला घोटा का मतलब क्या हो गया, सफोकेट या फिर स्टाइफल, स्मॉदर। आज से एक नया वर्ड आप सामने यूज कर सकते हैं एसफिक्सिएट, क्या बोलेंगे एसफिक्सिएट, जैसे हम बोल सकते हैं कि द मेड, ठीक है, या फिर द सर्वेंट एसफिक्सिएटेड हिज लॉर्ड, या फिर हिज ओनर, मतलब जो नौकर था उसने अपने मालिक का गला घोंट दिया, मतलब एसफिक्सिएट, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। तो ये आपके पूरे के पूरे आज आपके दो स्लाइड आपके हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने आज डिस्कशन किया, 15 रिवीजन वर्ड भी थे आज आपका, ये कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो पूरा वोकैब सेशन आज का जबरदस्त, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी थे, जरूर इनको देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद एक बार नजर दोहरा लीजिएगा, झांकी एक बार ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर दिन सुबह एक रूटीन बना लीजिए, हर दिन सुबह 8 बजे जुड़ना है, प्लीज आप लोग सारे के सारे लोग जुड़िएगा, 1400 के आसपास बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सबको 10 बजे भी मेरे साथ जुड़ना है, ध्यान रखिएगा 10 AM भी मेरे साथ आज ही आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। मेंस क्रैकर ऑलरेडी ये बैच आपके सामने आ चुका है, Y194 कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं 72% डिस्काउंट, और इस पर्टिकुलर बैच को आप 1100 रुपीज में आप इस मेंस क्रैकर के बैच को ज्वाइन करिए, 2 नवंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा 2 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, आशीष सर, मैं, शांतनु सर और शुभम सर, चारों के चारों वो एक टीम जो वो एक जो चौकड़ी जिसको आप लोग देखना चाहते थे वो एक यहां पे आ चुकी है, और बिल्कुल जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिएगा, 6 मेंस के बैचेस हम लोग यहां पे कवर कर रहे हैं, 10 बजे से मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से चीजें यहां पे हो रही हैं, मेंस क्रैकर 10 बजे के सेशन में जुड़ना है आप सबको मेरे साथ, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का भी बैच यहां पे आप हमारा ले सकते हैं, कॉम्बो बैच है, कंप्लीट कॉम्बो बैच है, ये हमारा शुरू हो रहा है 27 अक्टूबर से, ध्यान में रखिएगा, इसमें भी आपको Y194 कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं ह्यूज 72% का डिस्काउंट मिलेगा। ये आपके इंडिविजुअल बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, आशीष सर का वॉरियर 4.0 है जो आपका स्टार्ट हो रहा है 26 अक्टूबर से, ठीक है, ये मेरा इंग्लिश का पर्टिकुलर इंडिविजुअल बैच है जो आपका स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से, ठीक है, उसके बाद ये आपका दक्ष प्लस जो कि ऑलरेडी 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, इन सबको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, Y194 कोड 72% का ह्यूज डिस्काउंट, ठीक है। बस सेशन हम यहां पे फिनिश करते हैं, सही लगाओ तो प्लीज आप सारे के सारे लोग एक बार जल्दी से फटाफट इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ऑफलाइन मोड में भी शेयर करिएगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारा ही चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और तुरंत 10 बजे मेरे सेशन में जुड़ जाएंगे सारे के सारे लोग, तब तक बहुत अच्छे से रहिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।